हेलो दोस्तों, मैं दीपक रोहिला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी रोहिला ब्लॉग में। अपनी वीडियो के धीरे धीरे चलते सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं मोदी नगर की गंग नहर में, जहां पर गंगा स्नान को काफी अहमियत दी जाती है। यहां के लोगों की श्रद्धा इतनी है कि हर शाम यहां पर जन सैलाब रहता है श्रद्धालुओं का। दोनों तरफ घाट बनाए हुए हैं, सफाई का बड़ा ध्यान रखा गया है, जिसे मिनी हरिद्वार भी कहते हैं। दोनों तरफ सुंदर घाट बनाए हुए आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये अपना मोदी नगर की मेन रास्ते पर जो मेन हाईवे है वहाँ से कुछ दूरी पर है, और यहाँ से अंदर जाने के लिए ये दोनों तरफ का मेन रास्ता है जिसपे आप नीचे उतरकर जा सकते हैं। आप इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो उधर की साइड मंदिर बना हुआ है, हम इधर से नीचे चलते हैं। नीचे चलकर हम देखते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं स्नान के लिए, और इससे आगे जाकर भी सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। उधर आप देख सकते हैं, उधर भी मंदिर है। ये सामने से पुल जा रहा है जिसे क्रॉस कर आप उस सामने वाले घाट पर पहुंच सकते हैं। वो सामने वहां पर ठीक ऊपर शिव शंकर महादेव की मूर्ति बनी हुई है, लिखा हुआ है छोटा हरिद्वार। दोनों तरफ बैठने की सुविधा दी हुई है। घाट पर साफ सफाई का काफी ध्यान रखा गया है, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि 12 फुट गहरा जल है यहाँ पर, केवल महिला स्नान गृह। उधर आप देख सकते हैं दोनों तरफ घाट बने हुए हैं, उधर भी लोग नहा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो मोदी नगर की मेन सिटी के बीचम बीच ये नहर पड़ती है जिसे गंग नहर कहते हैं, उसी के दोनों तरफ घाट बनाए हुए हैं। ये टाइम है आरती का, आप सुन सकते हैं कि आरती हो रही है। उधर लोग बाग अपना नहाने का इंतजाम कर रहे हैं। मेरे पीछे आप जो ये नदी देख रहे हैं ये गंग नहर है, जो हरिद्वार से गंगा जी से निकली हुई है, जो सिंचाई विभाग द्वारा खेतों में सिंचाई करने के लिए निकाली गई है। बट ये जिस जिस शहर में गई हुई है वहाँ पर इसके चारों तरफ श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए दोनों तरफ उसके घाट बनाए हुए हैं। अगर मैं आपको उधर दिखाऊं तो उधर भी एक घाट है, और जिधर मैं बैठा हूँ इधर भी एक घाट है, और यही ठीक इससे पहले खतौली पड़ता है वहाँ पर भी ठीक इसी तरह से बनाया गया है, लेकिन ये काफ़ी बड़े पैमाने पर काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है। अगर आप इसके अंदर बोटिंग का मजा लेना चाहते हैं तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं वहाँ पर जूम करता हूँ, तो वहाँ पर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं और बिल्कुल बीचम बीच जाकर गंगा के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर जब भी गंगा दशहरा या कुछ भी शुभ मुहूर्त का दिन होता है लोग बाग यहाँ पर आते हैं, और उस दिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दिन रहती है, आज कुछ नहीं है, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 15 अगस्त, फिर भी आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप मेरे पीछे या फिर उधर भी देख सकते हैं लोग बाग की आस्था इससे जुड़ी हुई है और वो स्नान कर रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।